नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। लखनऊ विधानसभा में कृषि बजट में कटौती पर बोलते हुए गोपालपुर विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद ने कहा कि अब सरकार के लोग किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आप खुद सुने। ये जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उनके माप में नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ मानवर कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा की जा रही है, इससे हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं होगी बल्कि हमारा प्रदेश पीछे जाने का काम करेगा। साथ ही साथ कहा जाता है प्रधानमंत्री निधि सम्मान निधि, सरकार ये बताए कि किसानों से जो सम्मान निधि इन्होंने दी थी चुनाव से पहले और तमाम लोगों से नोटिस जारी करके उन्होंने पैसा वापस लेने का रिकवरी करने का काम किया, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की थी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने की। साथ ही साथ सरकार बताए कि जो निजी नलकूपों पे क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में कितने दिन तक बदलने का प्रावधान है जिससे किसान अच्छे से सिंचाई कर सके। जो इसमें कहा गया द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल, इस योजना से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया और ना ही प्रस्तावित उसमें कोई जानकारी है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, इस योजना के संबंध में किसी किसान को मानवर जानकारी नहीं है। ये योजना भारत सरकार की है और इसमें भारत सरकार का कितना बजट है उसकी भी जानकारी नहीं है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना, किसान की जमीन पे नेचुरल फार्मिंग में बदलने के लिए लगभग 7 से 10 वर्ष लगते हैं। किसानों को जो हानि होगी सरकार बताए उस हानि को सरकार वहन करने के लिए तैयार है कि नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी केंद्र सरकार की योजना और केंद्र की धनराशि इसमें उल्लेख नहीं है। नेशनल कृषि इंश्योरेंस योजना, किसान की फसल बीमा का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, ये किसानों के साथ सीधे सीधे लूट है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना, इस योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं, केवल कागजों में है। मानवर जो किसानों को इक्विपमेंट देना चाहिए उस तरीके का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब विधानसभा वार या ब्लॉक वार या तहसील वार कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में आप वहां के माननीय सदस्यों को भी अधिकारियों से कहिए कि वो बुलाएं कि कम से कम ये पता तो चल सके कि जमीन पे क्या काम हो रहा है। मानवर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र है गन्ना किसानों का क्षेत्र है जहां पे बड़ी तादाद में गन्ना किसान खेती करते हैं,